भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नगरोटा बगवा में राज्य सम्मेलन होने जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए सीपीआईएम के सदस्य देशराज शर्मा ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी का 3 सालों तक राज्य नेतृत्व को चुनना है और पांडिचेरी में होने वाले महासम्मेलन के लिए प्रतिनिधि मंडल का चुनाव किया जाएगा। देशराज शर्मा ने बताया कि इस राज्य सम्मेलन में 3 वर्षों तक की रणनीतियां तैयार की जाएगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य सम्मेलन 14 और 15 मार्च को नगरोटा बगमा में हो रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सचिव कॉमरेड अमरजीत कौर और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर जोगिंदर दयाल विशेष रूप से शामिल होने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद आगामी 3 सालों के लिए पार्टी का जो राज्य में नेतृत्व है उसको चुनना है और जो पार्टी का महासम्मेलन पांडिचेरी में आगामी 25 से 29 मार्च को हो रहा है उसके लिए प्रतिनिधिमंडल का चुनाव करना है और आगामी 3 सालों के लिए हिमाचल प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्या भूमिका रहेगी, उसमें कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे, इस पर चर्चा होगी। अलावा इसके कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ हैं उसके प्रस्ताव पर भी जो राष्ट्रीय परिषद ने पार्टी की पास किया है उस पर भी चर्चा होगी। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा करके आई थी वो सपने अब चकनाचूर होने लगे हैं और उन्होंने UPA 2 का कांग्रेस का वही जो नीतियाँ हैं जो साम्राज्यवादी प्रस्त हैं जो गरीब की विरोधी हैं जो मजदूरों और किसान की विरोधी हैं उस उन्हीं नीतियों को और ज़्यादा जोर शोर से लागू कर रहे हैं। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि बहुत सारे मामलों में यह दक्षिणपंथी रुझान और झुकाव है जो अमेरिका की तरफ से ज़्यादा झुका हुआ है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्रीय सरकार ने सबसे पहला नीतिगत फैसला रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लिया था। अभी हाल ही में कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने बीमा क्षेत्र में 26 से 49% बढ़त प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश के लिए की है। साथ में जो भूमि अधिग्रहण बिल जो अंग्रेजों ने 1894 में बनाया था और बड़े संघर्षों के बाद किसानों ने जो प्रगतिशील लोग हैं दल हैं उन्होंने केंद्र सरकार को मजबूर किया था कि उसको रिपील करके नया एक कानून बनाया जाए ताकि किसानों की ज़मीन जो अधिग्रहण के नाम पर और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर कौड़ियों के दाम खरीद करके उन्हें कंगाल बना रहा था उसकी जगह जो नया नियम बना उसको आते ही उन्होंने एक अध्यादेश जारी करके उसको निरस्त किया और उसके जो मुख्य हिस्से थे जो किसानों के हक में थे वो उन्होंने लगभग नलीफाई कर दिया। आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? वो बिल जो है वो सीधे सीधे तौर पर किसान विरोधी है और बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके पक्ष में है और किसानों को उजाड़ने का एक नीति का एक हिस्सा है।